जिन लोगों ने पिछले 50-60 वर्षों में राष्ट्रवादी विचार, हिंदुत्व के किसी भी विचार को किसी भी सार्वजनिक जीवन में सहिष्णुता से चर्चा करने के लिए भी जो तैयार नहीं हुए, विश्वविद्यालयों में, मीडिया में, बाकी जगह पर असहिष्णुता के सब प्रकार के जिन्होंने नंगा नाच किया, वो लोग आज सहिष्णुता के बारे में, असहिष्णुता के बारे में बोल रहे हैं। ये सरासर निंदा का विषय है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर करने के, यानी ये षड्यंत्र है। और कुछ विषय हो, जो घटना होती है, जो निंदनीय घटना है, वो सब निंदा करते हैं। लेकिन किसी न किसी रूप से मोदी सरकार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ऐसे कहीं बादरायण संबंध बनाकर जोड़ने के जो है, यह असहिष्णुता के राजनीति है। यह असहिष्णुता नहीं है, यह षड्यंत्र है। यह जानबूझकर एक कॉन्स्पिरेसी है। बिकॉज दे आर लूजिंग देयर ग्राउंड, बिकॉज दे आर डेस्परेट, बिकॉज दे आर फ्रस्ट्रेटेड, बिकॉज दे आर, उनके दुकानदारी थोड़ा बंद होने के कगार पर है, इसलिए उनको लगता है हम असहिष्णुता के नाम पर आरएसएस को एक, वो कहते हैं ना, पंचिंग बैग बना दे। तो आरएसएस इज नॉट ए पंचिंग बैग फॉर एनी ऑफ दीज सो कॉल्ड लिबरल स्यूडो सेक्युलर पीपल, इंटॉलरेंट पीपल। आरएसएस के सरसंघ चालक जी ने यही विचार कहा है, आरक्षण संविधान के निर्माताओं ने समाज में सब प्रकार के विषमता और भेद को दूर करने के लिए जिस उद्देश्य के लिए उसको इंट्रोड्यूस किया, वह पूर्ण रूप से अमल हो। अमल होने में पॉलिटिसाइजेशन न हो, राजनीतिकरण न हो। समाज के ऐसे लोग जो राजनीति से परे हैं, ऐसे लोगों के द्वारा इस विषय के क्रियान्वयन के दृष्टि से सही क्रम उठाए जाए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आरक्षण के विरोध में कभी नहीं कहा। 81 में हमने प्रस्ताव पारित किया, उसमें कहा, उसके बाद उस विषय के बारे में फिर से कहा ही नहीं है, क्योंकि हम उसको चाहते ही है।